मैनी व्लॉग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बड़े होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ ही। तो आप सबको यही लग रहा होगा कि आजकल मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है लॉन्ग वाली, सारी सारी शॉर्ट्स डाल रहा हूँ। यार उसके लिए थोड़ा सा वेट करो आप। बस अब मैं जाने वाला हूँ अपने घर के लिए एक दो दिन के अंदर, ठीक है? उसके बाद देखो कैसे व्लॉग्स धड़ाधड़ आएंगे, धड़ाधड़। हाँ ठीक है, क्योंकि आपके लिए सरप्राइज़ भी है बहुत। और अभी तभी मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, और ये भी शॉर्ट वीडियो है, इसमें बस आपको मैसेज देना है, बाकी आप देख लो एनवायरनमेंट यहाँ पर पहाड़ का। और मैं अपना घर भी दिखा देता हूँ, ये रहा सामने, ये वाला मेरा घर है जिसमें आपको द बीस चेंस मिल जाएगा, देखो लिखा हुआ, ठीक है? और यहाँ पर ये रहा वॉशरूम जिसमें मैंने लाइट का भी फैसिलिटी कर दी है। तो भैया इंजॉय करो, आप आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मोर फैसिलिटी चाहिए तो वो भी मैं फैसिलिटी करके दे दूँगा कि तुम अलग से रह सको, कोई अच्छी जगह भी। बाकी ये तो उससे भी अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? आपको पहाड़ों में, पहाड़ों के घरों में रहने का मौका मिलेगा। हमारे शेरू के लिए भी आ चुका है केक। तो देखो हमारे शेरू के लिए भी बिस्कुट आ गया, फटाफट लेके आ। शाबाशी, शाबा शाबा शाबा। छोटा वाला पैकेट खोल और बड़ा वाला पैकेट भी खोल दे, ठीक है? ये जब इसको पता है कि हम आते हैं तो ये आ जाता है आराम से, वेट करता रहता है। अब जब हम चले जाते हैं बेचारा वेट करता होगा, पर गेट तो खुलता नहीं होगा। यही होता है भैया पहाड़ों में, जब भी घर में कोई चला जाता है शहरों के लिए तो खाली पड़ जाते हैं। जैसे हमारा घर अभी खुला है, बाकी ये घर अभी खाली है, अभी कुछ टाइम बाद ये भी खुल जाएंगे, क्योंकि शादी का भी माहौल है इधर, ठीक है? आपको पता चलेगा। दे दे शेरू को, दे दे। हाँ दे शेरू को, दे पहले पहले वो खाने के लिए। अरे खाने के लिए दो उसको, मत देखो बाकियों को, ठीक है? बौड़ तल्ला गाँव, आपको थोड़ा और नज़ारा दिखा देता हूँ। बाकी मेरी वीडियोस जो आने वाली है ना, उसमें आपको और मज़ा आएगा। आप देख सकते हो यहाँ से भी बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है, पहाड़ों में मेरा घर, वहाँ पर पहाड़, ये पहाड़। आपको और नज़ारा दिखाना है ना, तो अभी दिखाऊंगा। रुको थोड़ा सा बैक साइड में दिखा देता हूँ। दे 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 शेरू को, दे दे पूरा, दे 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 पूरा, दे पूरा पूरा। हाँ भाई सब बढ़िया, सब बच्चे बच्चे पानी सब बढ़िया, ठीक है? भाई देख लो भाई बैक साइड का व्यू, आपको पूरी दिखाऊंगा मैं। लॉन्ग वीडियो जो और बनाऊंगा डालूंगा, ठीक है? अभी शॉर्ट वीडियो में आपको थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ बौड़तल्ला में। अगर आप आना चाहते हो तो कांटेक्ट करो 9691886998, बौड़तल्ला बीसचंद का गांव, ठीक है? घर ही मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला मेरा घर है। ओके सर, उठा दिया आपने बहुत। और इधर से आपको आना है, और वहाँ से भी आ सकते हो रास्ता, ये नीचे ही पनहर है रास्ता, आपको दिख जाएगा जब भी आना। दे दे सारे, दे दे उसको शेरी लौंडे को, ठीक है? देख लो, इन्जॉयमेंट आपको सब होगी यहाँ पर। देखो यार, ठीक है, कांटेक्ट करना तो करो, बौड़तल्ला गाँव, फुल इन्जॉयमेंट होगी। भाई लौंडे उड़ गए भाई, ठीक है? चलो अब मिलते हैं। और बाकी थैंक यू सो मच वीरू जी, आपने मेरी वीडियो डाल दी, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और कमेंट भी मैं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी जनों के कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं उसमें, पर कुछ ऐसी भी हैं जो उल्टा सीधा कहने में लगे हैं। मैं बोला भाई अब उनको क्या समझाएं, ठीक है? कुछ होते हैं भैया ऐसे जो हवाबाज कहते हैं, खुद की मतलब हिम्मत होती नहीं करने की, ठीक है? और हमें ऐसा चीज़ बोलते हैं जो कर भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। सच्ची में मेरे को बुरा लगा, पर मुझे हंसी बहुत आई कि मैं देखो भाई कितने चिढ़ते हैं लोग, ये चीज़ सच्ची में। तो मैंने अब मैं इतना गौर नहीं कर रहा इनकी बातों में। और एक चीज़ मेरे को आपको कहना है कि भाई ये बताओ, अगर मैं पहाड़ों की वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ कि ट्रैकिंग पॉइंट कहाँ पर है, क्या है, वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कोई आएगा तो वो ले जा पाएगा, ठीक है? पर ये क्या है, अगर ले नहीं जा पाएगा, उसको पता नहीं होगी लोकेशन, तो कैसे लेके जाएगा? तो उसके लिए एक वीडियो होगी, वीडियो से एक उसको एक रोड मैप मिलेगा कि कैसे आना है जाना है। अब यही चीज़ अगर मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, या फिर टाइगर के रिलेटेड भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट है टाइगर और लेपर्ड का, तो इन जैसे जो हवाबाज कहते हैं ना, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। ये क्या करते हैं, डाउनफॉल करने की कोशिश करते हैं। पर तुम्हारा यार नारायण नारायण है, बिल्कुल समझ रहे हो कि कभी भी कुछ बुरा नहीं मानता। आपकी बात भी मैं बिल्कुल अच्छे से ले रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आप जैसे नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, सही बात, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया आप आओ बौड़तल्ला, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? अभी भी देखो स्माइल है मेरे अंदर, कोई भी है नहीं कि मैं चेड़ा मेड़ा मुँह करके ऐसे कर रहा हूँ, नहीं, मैं हंस के ही आपको बोल रहा हूँ। आप आइए, आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पर रहने का, जरूर आए यक, ठीक है? हम कुमाऊँ गढ़वाले दोनों छू, क्योंकि मेरे जो माँ जी थे ना वो गढ़ाए थे, और मेरा जो बैजू थे वो कुमाऊँ थे, ठीक है? कुमाऊँ और गढ़वाले मिक्सचर थे, ठीक है? इसीलिए आप इधर आना चाहते तो आए 9691886998, और सभी के लिए इन्विटेशन है। मिलते हैं फिर।
और बोल दूं, अगर आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं ना, तो अगर मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ तो आप एक काम करिए, कॉल की जगह व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है मुझे ना कॉल आते हैं तो अटेंड करना पड़ता है, जो मेरे पर्सनल कॉल्स होते हैं, ठीक है, ऑफिस के कॉल्स होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दो, जिससे क्या होगा आपके मैसेज जैसे आ रहे हैं, ठीक है, आपने डायरेक्टली टाइप करके लिखा तो ऐसे पता नहीं चलता। अब जब वॉइस मैसेज करते हैं ना, उससे आपके एक्सप्रेशंस, आपके अब बोलेंगे एक्सप्रेशन किससे पता चलेगा, मतलब कि कितना आप एक्साइटेड हैं, ठीक है, वो चीज़ पता चलेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ आप व्हाट्सएप पे मेरे को वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना और इधर जरूर आना।